भारत देश की प्रथम नागरिक एक आदिवासी महिला है, मगर इस बीच सवाल ये है कि क्या महिलाओं की स्थिति बेहतर हो पा रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट बताती है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 146 देशों में से 135वें नंबर पर है। जेंडर इंडेक्स क्या है और भारतीय महिलाओं की स्थिति में सुधार ना हो पाने की क्या वजह है, हम आपको बताएंगे न्यूज क्लिक के इस वीडियो में। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, मगर 75 साल की इस आजादी ने देश की आधी आबादी को क्या दिया? जेंडर गैप इंडेक्स की रिपोर्ट को देखें तो इसका जवाब बेहद मामूली लगता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्लोबल जेंडर इंडेक्स क्या है। ये इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है, जिसमें दुनिया भर में लैंगिक असमानता के बारे में बताया गया है, यानी मर्दों के मुकाबले महिलाओं की स्थिति के बारे में बताया जाता है। 2022 की इस रिपोर्ट की बात करें तो भारत दुनिया के अंतिम 11 देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा लैंगिक असमानता यानी जेंडर इनइक्वालिटी मौजूद है। दक्षिण एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में भारत तीसरा देश है। भारत केवल अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आगे है। बता दें कि दुनिया में 146 देशों की लैंगिक असमानता पर जारी ये रिपोर्ट महिलाओं की शिक्षा, राजनीति, इकोनॉमिक सेक्टर, स्वास्थ्य जैसे अन्य क्षेत्रों में उनकी स्थिति के आधार पर तैयार की गई है। जेंडर इनइक्वालिटी को 0 से 100 के स्केल पर स्कोर दिया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम एक पुरुष प्रधान समाज में जी रहे हैं, और ये चिंता तब बढ़ जाती है जब ये रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में मौजूद जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म करने में 132 साल लग जाएंगे। अगर दक्षिण एशिया की बात करें तो यहाँ इस भेदभाव को खत्म करने के लिए लगभग 197 साल का इंतजार करना होगा। इकोनॉमिक सेक्टर में जेंडर गैप की बात करें तो भारत में महिलाओं के लिए आर्थिक अवसर बहुत सीमित है। देश के इकोनॉमिक लेवल पर लैंगिक असमानता में रैंक कुल देशों में 143 है। हमने आर्थिक स्तर पर मौजूद जेंडर गैप को समझने के लिए मरियम धाबले से बात की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और ऐसे कई रिपोर्ट्स अभी लगातार आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि महामारी के दौरान और महामारी से पहले ही ये बात शुरू हुई थी कि औरतों का जो काम का अधिकार है आर्थिक क्षेत्र के अंदर, औरतों का सहभाग और योगदान, ये दोनों चीजें बहुत ही बुरी तरह से इसके ऊपर असर हुआ है सरकार की नीतियों का। और ये महामारी में जिस तरह से पहलकदमी सरकार ने करनी चाहिए थी और जो नहीं करी उसकी वजह से भी, और कानून ने जो बदले गए हैं और लेबर कोड जो लाया गया है इस देश के अंदर, और आम तौर पे भी हमें देखने को मिलता है कि कटौती, कामगारों में कटौती बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है, और पहला हल्ला जो होता है वो औरतों के रोजगार पर होता है। जो महामारी में काम का क्षेत्र पूरा बंद हो गया था और 80% महिलाएं अनऑर्गेनाइज्ड या इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है जहां पे उसको काम मिलना बिल्कुल बंद हो गया, तो भारत के अंदर भी और दुनिया में भी ये देखने को मिल रहा है कि औरतों के हाथों को आज काम नहीं मिल रहा है। संगठित क्षेत्र कम होते जा रहा है और बाकी के क्षेत्र के अंदर कहीं पे काम शुरू नहीं हो रहा है, तो इसलिए आज औरतों का जो एक इज्जत के साथ जिंदगी जीने का जो अधिकार है उसी को आज मारा गया है, और दूसरी तरफ से उनका जो शोषण है वो भी बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ गया है। भेदभाव को नजर में रखकर औरतों को प्रोत्साहित करना जरूरी है, ये कतई नहीं हो रहा है, और इसके बारे भी भारत के अंदर और आम तौर पे महिला आंदोलन पूरी दुनिया में इसके ऊपर आवाज उठा रही है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि राजनीति के क्षेत्र में लैंगिक असमानता सबसे ज्यादा है। राजनीति के क्षेत्र में मौजूद जेंडर गैप को खत्म करने के लिए दुनिया को 155 साल का लंबा समय लग सकता है। भारत की ही बात करें तो मौजूदा लोकसभा में 543 सांसदों में महिला सांसद केवल 81 है। राजनीति में इस जेंडर गैप पर हमने कविता कृष्ण से बात की। ग्लोबल जेंडर गैप की जो रैंकिंग्स हैं उसमें राजनीतिक भागीदारी, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और सशक्तिकरण को लेकर के
भारत का अमूमन थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस होता है बाकी जो जेंडर गैप इंडेक्स है उसके इंडाइसेस की तुलना में। इस बार वहां पर भी कुछ गिरावट है। वहां इसलिए तुलनात्मक रूप से बेहतर परफॉर्मेंस हमारी होती है क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था में 50% है ही रिजर्वेशन, इसके चलते एक तरह से हमारा परफॉर्मेंस बूस्ट होता है। और हेड्स ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट हो, इवन प्रधानमंत्री एक बार हमारी रही है महिला, और प्रेसिडेंट अभी दोबारा महिला प्रेसिडेंट बनी है, तो ये होता है। लेकिन मैं इसमें कहना चाहती हूँ कि दरअसल राजनीतिक भागीदारी का जो रैंकिंग है वो थोड़ा सा गुमराह करने वाला, थोड़ा बुलावे वाली रैंकिंग है, इसलिए क्योंकि उसको देख करके लगेगा कि अच्छा यहाँ राजनीतिक भागीदारी महिलाओं की ठीक ठाक है, बहुत खराब तो है नहीं। लेकिन सचमुच अगर देखा जाए तो राजनीतिक जो माहौल है और राजनीतिक स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे राजनीतिक जो कंपटीशन होता है, चुनाव होते हैं, या संसद या असेंबली के अंदर जो पार्टिसिपेशन या पंचायत के अंदर, वहां अगर देखें तो बहुत ही एक महिलाओं के लिए एक बहुत ही यहां तक कि मैं कहूंगी हिंसक माहौल है महिलाओं के लिए। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है महिलाओं, महिला नेता को अगर नीचा दिखाना है तो तुरंत उसके बारे में, उसके उनके चरित्र के बारे में, उनके यौन स्वभाव के बारे में, उनके रंग के बारे में, उनके रूप के बारे में तमाम जो कमेंट्स होते हैं ये उनके जो उनके साथ जो कंपटीशन में होते हैं वो भी करते हैं, यानी अनेक अन्य दल के लोग। और अगर आप सोशल मीडिया ले लीजिए, सोशल मीडिया एक तरह से आपको दिखा रहा है कि असली जीवन में किस तरह का माहौल है, क्योंकि सोशल मीडिया में वो लिख करके आपके सामने आ जा रहा है वही चीज जो महिलाएं ऐसे भी डेली फेस करती हैं, जहां पर जिस भाषा में और जिस तरह से हमला है। और यानी मेरा कहना है कि कोई महिला राजनीति में उतरे भारत में और उसमें टिकी रहे, उसके लिए एक तरह से उनको एक असाधारण किस्म की मानसिकता की, असाधारण किस्म की शक्ति की जरूरत होती है, और ऐसा होना गलत है। कोई असाधारण शक्ति की जरूरत नहीं होनी चाहिए महिलाओं को, साधारण शक्ति से काम चलना चाहिए। एक तो ये है। दूसरा कि अगर आप देखें कि राजनीतिक जीवन अगर देखें तो ठीक ठीक, चुनाव से बाहर भी अगर हम देखें तो सोशल सामाजिक राजनीतिक एक्टिविटीज में ले लीजिए तो यहाँ तक कि हत्या होना, यहाँ तक कि हमला होना, हत्या होना, ये लगातार हमारे विमेन एक्टिविस्ट के साथ में होता रहा है। और अभी जो माहौल है कि जो लोग राजनीतिक सवालों को उठाते हैं, बोलते हैं, अगर वो जर्नलिस्ट क्यों ना हो, अगर वो राजनीतिक कार्यकर्ता किसी छोटे संगठन की क्यों ना हो, तो पता चला कि कभी भी आपको जेल में डाल दिया जाएगा, यूएपीए में डाल दिया जाएगा। और आखिरी बात मेरी ये है कि अगर आपको सक्सीड करना है, अगर आपको जीतना है राजनीति में, चुनाव जीतना है वगैरह, तो एक तरह से ऐसा माहौल बनाया जाता है जहां पर आपको एक तरह से महिला पक्षधर, एक नारीवादी सोच के साथ आपको रहने नहीं देने की एक मंशा बनी रहती है। यानी आपको कैसे नीचा करें, कैसे आप जो है वो महिला विरोधी सोच के वाहक बन करके ही आपको जगह दी जाएगी, ये माहौल बनाने की काफी कोशिश होती है। बहुत कम महिलाएं हैं जो इसको एक तरह से पार करके वो एक सचमुच में लोकतांत्रिक या नारीवादी सोच के साथ में राजनीति में रह पाती। दुनिया भर में भारत की स्थिति बेहद खराब है, शिक्षा हो या राजनीति, देश में हर जगह जेंडर इनइक्वालिटी बनी हुई है। मौजूदा समय में मोदी सरकार भले ही बेटी बचाओ और महिलाओं की सुरक्षा की दावे करती हो, लेकिन ऐसी रिपोर्ट देश के जेंडर गैप की गंभीरता को दिखाती है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाएगी, या इस रिपोर्ट को भी दुनिया में भारत की छवि खराब करने की साजिश बता दिया जाएगा।